नमस्कार, मैं हूं ज्योति सागर और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। भारत चीन सीमा विवाद के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अचानक लद्दाख पहुंच गए, जहां उन्होंने लद्दाख के नीमू पोस्ट में थल सेना और वायुसेना के अफसरों से मुलाकात की। वहीं मौजूद अधिकारियों ने पीएम मोदी जी को वर्तमान स्थिति के बारे में सारी जानकारियाँ दी। इस दौरान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी मौजूद रहे। इसके बाद पीएम मोदी जी ने गलवान घाटी में हुए घायल जवानों से अस्पताल में मुलाकात की। नीमू सिंध नदी के तट पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित सबसे दुर्गम स्थानों में से एक है, जो जंस्कर पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है। वैसे तो आज पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेह का दौरा करना था, लेकिन उनका लेह जाना कैंसिल हो गया। इसके बाद अचानक खबर आई कि पीएम मोदी जी खुद लेह पहुंच गए। पीएम मोदी जी का लेह का दौरा ऐसे समय में काफी अहम माना जा रहा है, जब भारत और चीन के बीच कूटनीतिक स्तर पर बातचीत चल रही है। तो कहा जा रहा है पीएम मोदी जी के लेह पहुंचने का असर इन चीनी सैनिकों के मनोबल पर पड़ सकता है, जिनके साथ चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग खड़े होते नहीं दिख रहे, क्योंकि 15 और 16 जून की रात को गलवान घाटी में हुई झड़प के बाद से अब तक चीन ने अपने जवानों की शहादत को माना नहीं है। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने न केवल अपने जवानों की शहादत को याद किया, बल्कि उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लेह भी पहुंच गए। हाल ही में खबर आई थी कि चीन के अखबार ग्लोबल टाइम्स में खबर छपी थी कि वहां के पूर्व सैनिक इस बात से नाराज हैं कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने देश के जवानों की शहादत पर एक शब्द नहीं कहा। ऐसे में माना जा रहा है कि चीन में पुराने और नए सैनिक मिलकर बगावत की ओर बढ़ सकते हैं। गलवान घाटी में चीन के साथ हुई हिंसक झड़प में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए पीएम मोदी जी ने कहा कि भारत के वीर सपूतों ने दिखा दिया कि वो कभी भी मां भारती के गौरव को आंच नहीं आने देंगे। और रविवार को आकाशवाणी पर मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए पीएम मोदी जी ने पूरे देश को संबोधित करते हुए कहा था कि भारत ने लद्दाख में अपनी भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत मित्रता की भावना का सम्मान करता है, लेकिन यदि कोई उसकी भूमि पर आंख उठाकर देखता है तो वो इसका उचित जवाब देने में भी सक्षम है। अभी के लिए इतना ही, आगे खबरों के लिए बने रहिए हापुड़ हलचल के साथ।